जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से आज लगातार 12वें दिन भी सीज फायर का उल्लंघन किया गया। वहां के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से हो रही फायरिंग की वजह से वहां एक स्कूल में बच्चे फंस गए थे, जिन्हें स्कूल प्रशासन ने कई घंटों की मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों ने दो आतंकी मार गिराए, सर्च ऑपरेशन जारी। दक्षिण कश्मीर के त्राल में एनकाउंटर, कुछ और आतंकी छिपे होने की आशंका। आज सुबह मारे गए दोनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के हैं, बीती रात शुरू हुआ था ऑपरेशन। आतंकियों के खिलाफ सेना, सीआरपीएफ और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन करीब 13 घंटे चला। कल भारतीय सीमा में दाखिल हो रहे पाकिस्तानी ड्रोन को बीकानेर में सुखोई ने मार गिराया। लगातार 12वें दिन युद्ध विराम उल्लंघन, पुंछ, किरनी, नौशेरा के कलाल सेक्टर में सीमा पार से फायरिंग। सुरक्षा बलों को कल शाम त्राल के रेशी मोहल्ले में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद साझा टीम ने पूरे इलाके को घेर कर ऑपरेशन शुरू किया और आज सुबह मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। दोनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए थे। सुरक्षा बलों को इन आतंकियों के पास से राइफल समेत कई हथियार भी मिले हैं। भारत पाकिस्तान में जारी तनाव के बीच राजस्थान के बीकानेर में वायुसेना के सुखोई 30 ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। ये पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय वायु सीमा में घुसाया था।